में जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर हम आपको बता रहे, पठानकोट से बीजेपी के बड़ी खबर, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने जीत दर्ज की है और कांग्रेस के विज उनको हरा दिया है, अमित विज को। आपको बता दें कि मौजूदा विधायक थे उसी सीट से, पठानकोट सीट से मौजूदा विधायक थे, उनको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने हराया है। और ये जो बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि वही पठानकोट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे तो उन पर एक तरह से उनको रोका गया था, एक हमला हुआ था और उन्होंने कहा था कि चन्नी साहब को शुक्रिया कह देना। बहुत वायरल हुई थी ये जो खबर है। और उस पठानकोट में जो है, उस पठानकोट से खबर आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने जीत दर्ज कर ली है। आप अपनी बात रख रहे थे रवि जी, यहाँ पर पठानकोट की बात करें, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जीत दर्ज करते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि जब मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली और कहीं ना कहीं सिद्धू और जो है कैप्टन की लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं जो है चन्नी को सीएम बनाना पड़ा ये, और उसे बैकफुट पर भी आना पड़ा। लेकिन चन्नी ने अच्छा काम किया भी था लेकिन वो ज्यादा भुना नहीं पाए कहीं ना कहीं, जिसका सीधा सीधा फायदा है क्योंकि वहां एंटी इनकम्बेंसी तो थी, माहौल ज्यादा खराब हो चुका था, लोग दुखी थे कहीं ना कहीं, और वहां पे क्योंकि नशे का कारोबार जो फैला था वो कहीं ना कहीं मजीठिया पर लगातार आरोप लगते रहते, तो बादल की भी ऐसी पोजीशन नहीं थी कि वहां पे हालात बना पाते। और क्योंकि बीजेपी एक अलायंस रहा है काफी समय से बादल के साथ, तो वो बीजेपी के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे पंजाब में, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि कहीं ना कहीं पंजाब जो आम आदमी पार्टी इसको एक मौका मिलना चाहिए। और खासकर इन्होंने जिस प्रकार से फ्री बिजली और दूसरे मुद्दों को लेके जिस प्रकार दिल्ली मॉडल को इन्होंने पेश किया, वहां पे किस प्रकार से एजुकेशन को और हेल्थ को वहां पे डेवलप करने वाले हैं, क्या क्या इनकी प्लानिंग है वहां को लेकर, तो उसके बाद जो है इनकी स्थिति स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो गई थी। और लास्ट मोमेंट पे जिस प्रकार से इलेक्शन से जस्ट चंद दिन पहले कैप्टन ने पार्टी छोड़ दी और ये सब हाई वोल्टेज ड्रामा पार्टी का शुरू हुआ, और उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व पे भी आवाज उठनी शुरू हो गई, और जिस प्रकार से आपने देखा कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह, पार्टी के बड़े नेता ही जो है उसके खिलाफ बोलने लग पड़े, तो ये सब कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ गया है पूरी तरह से लोगों ने।